श्री साजन जी के मुख के शब्द। स्कूल खुलिया जी, संभव सब दृष्टि दास
भाव। अब समभाव जो सतयुगी नैतिकता का मूलाधार है उसे सभी अपनाएं और सतयुगी इंसान कहलाएं, क्योंकि यही समय की मांग है। सम क्या है और समभाव क्या है, ध्यान से सुनो। सम सर्वव्यापक भगवान का प्रतीक है, समभाव प्राणी का मूल या प्रधान गुण है जो उसमें सदा रहता है। यह प्राणी की प्रधान एवं समान प्रवृत्ति है, अर्थात वह अवस्था है जिसमें मनुष्य का किसी एक ओर झुकाव नहीं होता, यानी यह रूप गुण मान मूल्य महत्व आदि में अभिन्न यानी समान एवं अपरिवर्तित होने का भाव है। अन्य शब्दों में समभाव यथार्थता एवं संपूर्णता का भाव है तथा मनुष्य की कभी ना छूटने वाली विशेषता है। यह मनुष्य के सद्गुण संपन्न होने की सर्वोत्तम स्थिति है तथा मनुष्य के निष्पक्ष एवं विरक्त होने का भाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि समभाव वर्तमान में अर्थात स्मृति कल्पना तथा राग द्वेष से मुक्त क्षण में जीना है। यहां वर्तमान में जीने का अर्थ है मन को विश्राम देना, अर्थात कर्म फल के भार से मुक्त हो मानसिक तनाव से छुटकारा पाना। यह शुद्ध चेतना का प्रादुर्भाव है। यहां न प्रियता है और न अप्रियता, न अतीत का अनुभव है न भविष्य की चिंता। यह वीत रागता के क्षण में जीना है। याद रखो, समभाव के प्रभाव से मनुष्य अपना संतुलन कभी नहीं खोता और उसके तीनों ताप सदा समान बने रहते हैं। वह सबको एक समान समझता व देखता है और सदैव एक ही धर्म या स्वभाव पर ठहरा रहता है। उसका बल कभी घटता या बढ़ता नहीं और उसकी मनोवृत्ति अर्थात भाव समान रहता है। ऐसे मनुष्य का चित्त कभी दुखी या क्षुब्ध नहीं होता। उसके चित्त की अवस्था या वृत्ति प्रत्येक परिस्थिति में समान यानी अप्रभावित रह शांत बनी रहती है। इस प्रकार उसका अंतःकरण सदा निर्मल बना रहता है व उसका ख्याल स्वच्छ, दृष्टि कंचन व जिह्वा स्वतंत्र बनी रहती है। उसकी बुद्धि विवेकशील एवं निश्चयात्मक बनी रहती है और उसकी प्रज्ञा एक ही विषय पर केंद्रित रहती है। इस प्रकार वह मनुष्य सबके प्रति सहानुभूति रखते हुए मन वचन कर्म से एक स्वभाव या समान आचरण करता है तथा एक ही रूप में स्थित रहता है। उसमें अडोलता एवं निश्चलता जैसे दिव्य गुण स्वतः आ जाते हैं, अर्थात वह सदाचारी सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बन अंततः विश्राम पा जाता है। इसलिए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सजनों संभाव देखो जंचर, संभाव देखो बंचर, संभाव देखो जगत जहान, उथे जात पात न गरीबी अमीरी, एहो दृष्टि सजनों राहवे महान। इस प्रकार
संभाव समदृष्टि दा सजनो, दिल में अमल ले आओ, दिल में अमल ले आके सजनो, दिल में अमल कमाओ, दिल नाल दिल मिलाओ। भाव स्वभाव परिवर्तन के संदर्भ में परमेश्वर जीव को कहते हैं कि हे जीव, भेजया है तेनु सच वणजनु, झूठ दा कीता है व्यापार, डरदा होया मेरे निकट न आवे, भुलिया फिरे गवार। ए जिंदगी तेरी सदा नहीं रहनी, इसनू लवी संवार, इसनू लवी संवार। इसीलिए वह सभी जीवों को सुझाव देते हैं कि अपने भाव स्वभाव पर विवेक की पकड़ रख, उनकी विशुद्धता सुनिश्चित करो। ध्यान से सुनो। होता उसी से लड़ती है।
संभाव सी हटी है राग और द्वेष, सज्जन भाव सी हटी है वैर और विरोध। संभाव सी हटी है राग और द्वेष, सज्जन भाव सी हटी है वैर और विरोध। संभाव सी सज्जन भाव सी हटी है वैर और विरोध। संभाव सी हटी है राग और द्वेष, सज्जन भाव सी हटी है वैर और विरोध। संभाव लाना है, संभाव लाना है, संभाव लाना है राग द्वेष हटाना है, राग द्वेष हटाना है, राग द्वेष हटाना है। सज्जन भाव अपनाना है, सज्जन भाव अपनाना है, सज्जन भाव अपनाना है। वैर विरोध मिटाना है, वैर विरोध मिटाना है, वैर विरोध मिटाना है। क्योंकि हम एक थे, हम एक है और एक ही रहेंगे। हम एक थे, हम एक है और एक ही रहेंगे। हम व्यक्तिगत दिलो दिमाग की शांति, पारिवारिक एकता और सामाजिक उत्थान हेतु सभी सजनों को सुझाव है कि सत्युगी नैतिकता अपनाओ, यानी मन अपना समझा लो, उखड़े दिल मिला लो, एक को दिल बना लो, उखड़े दिल मिला लो। संक्षेपतः जीव को पुनः अपने असलियत स्वरूप में स्थित होने हेतु ईश्वर कहते हैं कि विचार ईश्वर आपनुमान अर्थात युवा अवस्था की भक्ति जो है समभाव समदृष्टि की युक्ति, जिससे बल की प्राप्ति होती है और शक्ति ताकतवर हो जाती है, उसे अपनाकर उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो जाओ। इस हेतु माया में भ्रमित जीव को उबारने के लिए फिर से परमेश्वर उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान से सुनो, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह नित्य चेतन सत्ता है जो जगत का मूल कारण है और सत चित आनंद स्वरूप मानी गई है, अर्थात यह आत्मा की वह चैतन्य शक्ति है जो उसके ईश्वर स्वरूप यानी क्लेश कर्म विपाक तथा आशय से पृथक परमात्मा अर्थात जगत से परे निर्गुण
निरुपाधि ब्रह्म का साक्षात्कार करती है। यही सब में बड़ी परम सत्ता है, जिसके अतिरिक्त और जो कुछ प्रतीत होता है वह सब असत्य और मिथ्या है। ब्रह्म क्या है यह तो समझ आ गया, क्या आप ब्रह्म ज्ञान के विषय में भी बताएंगे? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की वह यथार्थ पूर्ण जानकारी है जो मन या विवेक में होती है। इस द्वारा पारमार्थिक सत्ता अर्थात जीव और ब्रह्म संबंधी सत्य आत्मज्ञान की शक्ति व सामर्थ्य का बोध होता है। सरल शब्दों में यह तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर आदि के संबंध का सच्चा और यथार्थ ज्ञान है। जिस जीव को इस सत्य का बोध हो जाता है उसमें जगत के दर्शनीय समस्त दृश्य पदार्थों व घटनाओं के अत्यंत मनोरम सुंदर होने के बावजूद उनके मिथ्या यानी असत्य होने का भाव निश्चित हो जाता है। कहने का आशय यह है कि ऐसी धारणा या ज्ञान के उदय होने से उसके मन में माया के संबंध में फिर कोई अनिश्चितता यानी भ्रम या दुविधा नहीं रह जाती, अपितु इसके स्थान पर शुद्ध, अद्वैत, खालस, पवित्र, निर्गुण, चैतन्य ब्रह्म जो कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे है, उसके होने के सत्य पर विश्वास होने लग जाता है। ब्रह्म का ज्ञान सर्वव्यापी भगवान है और भगवान ब्रह्म है, यह तो समझ में आ गया, परंतु ब्रह्म प्रकाश किसे कहते हैं? ब्रह्म प्रकाश का अर्थ है आत्मज्ञान का वह प्रकाश जिससे विवेक उत्पन्न होता है और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। अज्ञान के अंधकार के दूर होते ही सूक्ष्म तथा अप्रत्यक्ष कारण का प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण हो जाता है, यानी उस सत्य की अभिव्यक्ति हो जाती है जो पहले से ही प्रत्यक्ष और जाहिर हो। यह ज्योतिर्मय प्रकाश के प्रकटीकरण की यानी आविर्भूत होने की प्रक्रिया कहलाती है, जिससे मन मंदिर रोशन हो उठता है और उस उजाले व चानने में दृष्टि को परमात्मा यानी अपने आप का दर्शन हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ब्रह्म प्रकाश ही यथार्थ में वह शक्ति अथवा तत्व है जिसके योग से वस्तुओं का वास्तविक रूप आंखों को दिखाई देता है अथवा वस्तुओं का रूप नेत्रों को गोचर होता है। प्रत्येक वस्तु के तेज, आलोक, चमक, कांति, आभा व दीप्ति का यही सार भाग होता है। यही प्रत्येक जीव के पराक्रम, बल, वीर्य, प्रताप, रोब दाब का आधार होता है। इसी आधार पर जीव के विकास यानी उत्पन्न होकर अंत या आरंभ में भिन्न भिन्न रूप धारण करते हुए उत्तरोत्तर प्रगति करने की अभिव्यक्ति होती है। यही उसके खिलने या प्रस्फुटित होने,
फैलने या बढ़ने व प्रसारित होकर अभिव्यक्त होने का साक्षात प्रमाण होता है। सार में इसी ज्योतिर्मय प्रकाश के द्वारा ही कोई वस्तु अपनी आरंभिक सामान्य अवस्था से धीरे धीरे बढ़ती फैलती और सुधरती हुई उन्नत और पूर्ण अवस्था को प्राप्त होती है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि यह सारा प्रकाश महाराज जी का है और सब में भगवान को ही देखना है। जो सज्जन भी मिले उसको भगवान का रूप समझना है और प्रसन्न होना है। सब में हमें ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आए। पारी उतारी आरती की मैं ना करूं।